चकाशते शिष्य भावाय भावाय सर्वे भावांतरक्षते वंदितु सर्व सिद्धे द्रव चलवड़ो भवं गतिं पत्ते उच्चामि समय पाहुल मृमो सुध केवली स्टूप देश गाथा नंबर 17 पर गुरुदेव श्री के प्रवचन है। कल की गाथा से इसका संबंध 16 गाथा में कहा था कि धर्म की प्रभावना के लिए धन का कमाना क्या गलत। तो उन्होंने कहा कि पहले कीचड़ लपेट लो और फिर बाद में नहाओ, ऐसी जरूरत। किसने कहा तुमसे दान दो? लोभ घटाने के लिए दान दिया जाए तो न कमाओ तो पाप नहीं होगा, तो पुण्य करने की जरूरत। एक छल वो था पूज्यपाद स्वामी का चन, आज का छल है सब ठीक है, अब धन नहीं कमाएगी पाप लगता है, परंतु ये बताओ कि पेट का सवाल है, पापी पेट तो साथ में लगा, परिवार भी तो है, लड़के बच्चे है, शरीर है, घर गृहस्थी है, मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए, भोजन लाने के लिए चाहिए, बिजली के लिए चाहिए, मोबाइल के लिए चाहिए, आप तो कहते कुछ नहीं करो कमाई नहीं। आज का प्रश्न तो सबका अपन सबका होना चाहिए, ऐसा क्यों मना करते हो कि धंधा नहीं करने चाहिए कमाई नहीं कर। एक प्रश्न ऐसा समय ज्ञान चंद्र का और तूर्णमल जी ने अनेक पक्षपातियों के निरूपण में शब्द का पक्षपाती, अनियोग का पक्षपाती, अलंकार का पक्षपाती, एक धन का पक्षपाती भी हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि धन के बिना तो मंदिर नहीं, बड़े लोग आयोजन नहीं, तो इतना खड़ा शब्द बोला किसी को यार, अरे पापी, ऐसा कहा सर, अरे पापी तू तो धन का पक्ष लेता मंदिर में, धन तेरे कमाने से नहीं आता है उदय से आता, ऐसा उत्तर दिया उस। आज ये पूज्यपाद स्वामी में मिला पा, आत्मानुशासन में भी इसी तरह की बहुत चर्चा। तो आज का प्रश्न समझ में आया नहीं, पेज नंबर है 273 पर शिष्य कहता है कि भगवान धन के कमाने में यदि ज्यादातर पाप है, ऐसा कमाने में पाप तो बहुत होता है, बात तो आपकी सत्य है, कहाँ मना करते हैं, सीधे कमाए तो भी पाप तो होगा, दुख का कारण होने से निंद है। तो धन के बिना भोग भोग भी तो नहीं होते, आप बताओ हम क्या करें, ऐसे बैठे रह सूखे भोजन नहीं करें, आपको है बंजू क्या पक्ष बैठा है दिमाग में, कैसी गंदी वासना है, अरे ये बातें कही नहीं जाती, इसमें खेद लगता है जी। व्यवहारण नये सियाद यद्यपि प्राग पदभ्यम नियमित हतानाम हंत हस्तावलंब, अरे जब व्यवहार समझने में जो आता उसमें खेद लगता है, और तुझे कमाने के लिए तू कह रहा मन, जो स्वभाव समझने में बीच में व्यवहार आता है उसमें उन्हें खेद हो रहा है समझने, और तू कमाने में पक्ष ले रहा। पूज्यपाद स्वामी का प्रश्न नहीं, ये सब मोहियों का प्रश्न, कोई से कहते बनता किसी से कहते नहीं। अब इसके उत्तर देव गुरुदेव श्री ने दी, पेज नंबर है 275। कितना संतुलित जवाब दिया, आताप है हाँ उसमें, वहां पहले आताप है आकुलता है, प्राप्त होने पर अतृप्ति के करने वाले मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं, पैसे की भोग की इज्जत की मकान की चलती ही जाती है तृष्णा, भोग में सुख में तृप्ति है नहीं तो और वासना बढ़ जाती। अभी डॉक्टर साहब का कल सुन रहे थे तो बहुत बोल रहे थे कि एक प्लेट देवलाली में, एक प्लेट मंगलायतन में, एक प्लेट देवगढ़ में, जहां जहां तुमने
संकुल बनाए, सब जगह एक एक मकान। बोले तुम कितनी जगह रहते हो? अच्छा घर में भी 10-20 कमरे बना ली, तो कितनी जगह सोते हो? बोले तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा प्रति समय पुण्य जल रहा, ये कितने भी जगह लेते जा रहे हो ना, इससे तुम्हें लाभ दिख रहा है। वो कह रहे साहब पुण्य जल रहा है तो वो टिका, और जिस दिन पूरा जल जाता है उस दिन उस जगह को छोड़ के भाग जाता। ये निर्विचारी जीवन है, कमाने में प्रत्यक्ष में चेहरा देखो आप उसके, जिस समय धंधे पे बैठता है, इस समय कोई साधर्मी हो ना तो खड़ा नहीं हो। धन का इतना तीव्र लोग न जीव की इज्जत दिखती है, उन्हीं से पैसा कमा, पैसे कमाने की बहुत आयतन, पर साधर्मी से भी कमाई करना चाहिए। ये तो बोलेंगे नहीं, बहुत बुरा है तृष्णा कर लो, और किसे छोड़ के जाएगा जो मंदिर नहीं आ। प्रत्यक्ष में जब धन नहीं है तो कमाने की आकुलता, कमाते समय आकुलता, संरक्षण में आकुलता, और चला जाए तो रुला के जाए उसकी याद रहती। ऐसे दिन देखे माल गुजारी थी हमारे पिताजी, हम लोग जैसे सेबरा से गांव जाते थे ना, देहात में गांव, तो वहां जाते थे तो जाते से जो भी मिले तो पैर पड़, अरे आप आ गए, तो उनको ऐसा लगता जैसे कोई भगवान आ गए, इतनी कीमत होती गांव में। और यहाँ रिक्शा वाला नहीं पूछता, वहां से जैसे निकले जबलपुर आए पिताजी, फिर उनको कोई नहीं पूछते। यह प्रत्यक्ष में आकुलता, तोड़ मिल जाए तो देखे, जो दुख हमने दिखाए तो हम मन से थोड़े कह रहे, प्रत्यक्ष में सब जीव दुखी, जो कैसा ग्राहक के लिए बैठा रहता, जैसे बगला बैठा रहता है ना मछली की, ऐसे ये जीव बैठा रहता है, बैठा रहता है और आता नहीं, तो खींच खिन्ने में तृष्णा में कितना पाप बांध। मतलब ये नहीं कह रहे कि कोई दुकान पर नहीं बैठना चाहिए, ये कह रहे कि तृष्णा तो छोड़ो, कम से वो वासना तो बहुत बुरी है, जैसे पुण्य जल रहा है और पाप बांध रहा है, ऐसे लिमिट करो कि इतने बजे तक बैठे, लिमिट करो इतनी कमाई, लिमिट करो गंदे धंधे नहीं करें, कुछ तो अपनी आत्मा का विचारो, ऐसी गाथाएं पर भोगने की ताकत है नहीं। यहां लिखा रहता था एक बोल, भोगने की शक्ति कितनी हो आसक्ति कितनी, बुढ़ापे में इंद्रियां नहीं चलती, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट सब जवाब दे रहे, कितने झटके आ रहे, तो अभी वासना देखो ऐसे बैठे रहता है दुकान में, शरीर अकड़ भी जाए तो अभी झट। अग्नि में लकड़ी कितनी डाले कि वो तृप्त हो जाए, सम्राट जी ये सब आत्मानुशासन में बहुत कुछ, जिस शांति सागर जी को आत्मानुशासन बहुत प्रिय, समय सार और आत्मानुशासन, ये दो ग्रंथ पढ़ते अपने बड़े पंडित जी को, ज्ञान गोष्ठी और वचना में, ये दो ग्रंथ बहुत प्रिय लगते, जो भी जाएगा तो उसे ये सलाह देंगे, तुमने ज्ञान गोष्ठी पढ़ी, उसमें आपसे प्रश्न करते नहीं बनता, उसमें बने बनाए प्रश्न भी है उत्तर भी। तो तृष्णा अग्नि भभकती है बुझती नहीं है, जितने भूख भूख करता जाए ऐसे आता भभकता जाता है, तृष्णा और कसाय बढ़ती जाती है, तुझे संतोष नहीं होता, इतना भूख भूख ले, यानी ऐसा लगता है कि आज ऐसी इच्छा और पूर्ति कर ले, वो वासना डाल के जाती है, अगली बार फिर तुम्हें गुलाम बनाए। तुमने जो सोचा ना कि एक महीने में एक आध दो दिन तो दाल बाप लेके इडली डोसा के कुछ हो जाए, तो वो तुम्हारी आदत में आएगा तो फिर बनवाएगा तुमसे, बंद भी हो गए तो उसके उदय आने पर तुम्हें ऐसे विकल्प चले। अब ये कौन पूछे तो इनको करुणा आती है मनीषरों, पेज नंबर है 276 पे नीचे, पेट भरने मात, पेट भरना नहीं भैया, पूरी सामग्री भूख भूख की चाहिए, उसका क्या करना, और धूल में भी सुख नहीं। नीचे के पैरा में हम सुखी हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब मकान पैसा स्त्री सब है, धूल है सुनना, अब उसकी ओर का लक्ष्य करना, यही तुझे आताप दे रहा, सामग्री तो सुख दे नहीं सकती, पर उसे पाने की वासना तुझे तड़पाती रहे।
भोग में कभी तृप्ति नहीं होगी। स्त्री लंबी लार लार छोड़ने से छूट नहीं सके, ठेठ तक ग्रद्धि रहा करेगी उसकी, भोग भोग की ग्रद्धि, और अगले पर्याय में फिर उसी का लड़का हो जाएगा, उसी के पत्नी बना लेगा, उसी को बहन बना लेगा। प्रथमान युग में भरा पड़ा जो अभी सतीश भैया अपनी स्त्री है, अभी कोई अवध ज्ञानी मुनिराज किए थे, अगले पूर्व में तेरी बहन थी, तो अब भी रोन आ जाएगा कि कैसा मूर्ख मेरा, हमें कैसा कैसा दिमाग में। जो माँ है वो पत्नी बन जाती, पत्नी है वो माँ बन जाए। प्रद्युम्न चरित्र में पढ़ो कीचक की माँ द्रौपदी के रूप में आई तो कीचक को भोगने लायक लगी, कैसा परिणाम है बेचारे। शर्म लगे यदि आप, एक व्यक्ति तो भूलता नहीं था, अग्निभूत भाईभूत जब बहस करने गए थे मुनिराज, तो एक दिगंबर आचार्य श्री तो पढ़ा रहे थे सबको, और एक अवध ज्ञानी मुनिराज गेट पर खड़े, तो वो दोनों बहस करने आए, कहां से आए हो तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि मैं गांव से आया। अरे गांव से नहीं आए, किस पर्याय से आए पूछ रहे, इतना तो हमें ही मालूम कि तुम सालिग्राम से आए। उसको उत्तर दे, सालिग्राम से आए, क्या चाहे थे, बहस करना चाहे थे, पहले अपनी सूरत देख के आओ जो तुम्हारे चमड़े सूख रहे छत पर, अकल है तुम्हें, इतने बड़े पुरुष से बहस करो, ये ज्ञान बहस के लिए मिल। अरे बाप रे, तो इतना भी जानते, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे बाप का नाम ये, तुम सियार थे 7 दिन के, बारिश में ऐसी तड़पे भूखे प्यासे, फिर कूद के नई चैन पड़ी तो खेत में कूदे तो लकड़ी दोनों को चुभी मर गए, और किसान ने सुखाया है तुम्हारा चमड़ा, जाओ देख क्या। फिर एक आदमी मूंगा बैठा था, बोलते नहीं, तो लोगों ने कहा महाराज आप तो सब जानते हैं, ये आदमी बोलता नहीं, कौन से पाप किए, कि बोलता बोलता सब ऐसे शर्म लगती कि मेरी पत्नी मेरी मम्मी, मैं कैसे दूध पीऊं और कैसे इसे माँ कहूं, शर्म लगती। बोल बेटा बोल, नमो अंतरणम बोल, समझ में नहीं आता अपन को, अपन कर क्या रहे। सब पुद्गल को मोह से भोग भोग कर त्याग, अब ज्ञानी करता नहीं उस उच्छिष्ट में राग। तुम जिसे कहते बच्ची डिजाइन और अच्छा भोजन चाहिए, सब झूठा नहीं इसी जीव, सब पुद्गल से संबंध हो चुके, सब जीवों से सब जीवों के सब संबंध हुए, लोक प्रदेश जीव ने अगणित बार छुए। बिजली की क्षण मंगोरा माँ कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में कितना भेद बताओ, जल बुध बुध मानो दुनिया को अमर सीख देता है, मृत्यु तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता। फिर भी देव कितना निश्चय, ये करुणा सागर कैसे बोलते, कहाँ से बोलते, आपको लगता है नहीं है ये जंगल का मार्ग है, यहाँ से उठकर दुकान जाने का नहीं, सुनो और एकदम भगवान के पास बैठ जाओ अंतर्मुखी। गहरी वासनाएं बहुत गहरी, राम सीता को छोड़ने तैयार है, लक्ष्मण को छोड़ने थे, पता है ये मर के नरक जाए, समझ में आता मोह क्या है, लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता राम, सीता को छोड़ दिया। तो स्वामी जी कह रहे तुम कौन सी स्त्री पसंद कर, लंबी के छोटी, गोरी के काली, अरे ये भोगी जीव ने गोरी काली देखता है ना कुछ देखता है, मूर्छा में मर जाता और उसी के अंग में कीड़ा बन जाता, उसी के शरीर में योनि में और कुछ में पहुंचा, इतना बुरा संसार। ये तो अभी अवध ज्ञानी मुनीश्वर होते थे तो अपन सबको रोना आ जाए, हम कहां से आए कहां चले जाए। इंद्रिया नीचे विस्तार्थ में, भोगो भूख कमाए जाने के समय शरीर इंद्री मन क्लेश पहुंचाने के कारण बन गए। ये कमाने में बैठा है ना पूरे दिन, शरीर में पसीना उतरता है, ऐसे मलिनता आती है, खाने पीने का ढंग यानी समय नहीं निकाल पाता है, मिलता नहीं खाने पीने को, कभी मिले भी तो कमाने बैठा हो पड़ा हो दुखी। भोगो भूख कमाए जाने के समय शरीर इंद्रिया मन इसलिए सूख जाती है, शरीर काला पड़ जाता है और अस्पताल में पहुंच जाता है, तो भी कमाई की धुन नहीं छोड़ती,
ये सब कहने की बातें जितनी नहीं होती तो देखने में आती। अभी अपने शैलेश जी आए थे कहा, वो कह रहे धन के लिए तन जोड़ भेंट कर देता है और फिर तन के लिए धन लगा देता, जहां का तहां। अभय जी से हमने कहा कि आपका क्या है, कितना अच्छा होशियार है, आप इतने अच्छे विद्वान है, उसे भी लगाओ। कि ले भैया इस उम्र में कमाना कमाने का नशा चढ़ा रहा है। अभी वो हमने बना लिया बंगला फ्लैट, अब वो वहां सर्विस करके करोड़ों कमाएगा, वो बनाएगा, रहेगा जो का पहले से इसी में आ जाओ ना। तो कहे नहीं नहीं वो कुछ समझा ही नहीं सकता, जब वो करोड़ दो करोड़ कमा लेगा फिर बंगला ले लेगा फिर ज्यो कहते हो जाएगा फिर छोड़ के। हाँ अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है जो अपन कर। तो ये शरीर सूख जाता है, शरीर के लिए फिर दवाई देता, अस्पताल भरे रहते, इस तरह से सब भुगत भोगी है अपन। एक एक व्यक्ति अपनी अपनी बात जान। नमा समय साराय स्वान भूत्या चकासते चिस्तु बाबाय बाबाय सर्वे भावांतरच्छति। 144 गाथा कर्ता कर्मतिका समय सा संबंधन शरणानम ईशु लय दिड़बरी बोदेशम सब बड़े पख रही दो भणी दो जो सो समय सारो सम्यक्तियोरे सुज्ञाने की जिसे एक को संज्ञा मिले ने पच सकल मीन भासे वो समय का सारे है। जो सर्व नए पक्षों से रह कहा गया है वह समय सार है, और ऐसे समय सार को ही चाहे दूसरा नाम दो उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसी संज्ञा भी इसी को मिलती है। वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, ऐसा नाम प्राप्त होता है। ये चर्चा इतनी अपनी कल चल चुकी है कि भगवान आत्मा को समझने के लिए जिनागम जिनदेव और जिनेन्द्र देव के अनुयायी गुरु ऐसे देव सास गुरु इसमें निमित्त बनते। अब वो नए से समझाते और नए वस्तु में होती नहीं है, और नए से समझे बिना अपना ब्रेन बास होता है, वो विकल्प खड़े रहते, पता नहीं कैसी हो कैसी नहीं हो। अब बंधा तो है ऐसा भी लिखा, और बन सकता नहीं ऐसा भी लिखा, और कह रहे हैं कि एक नए नए आपकी अपराधी वृत्ति के बंधन भी बता दिए, तो इससे शांति कहाँ मिले। और तुम्हें ये भी बता दिया कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, बनता नहीं है, तो अभी जीव को लाभ कहाँ मिला। कहते हैं कि समय सार का लाभ लेना है तो नयों से वस्तु को समझकर पर समझते नहीं रहना है, पर आत्मा हूं देखना, परमात्मा हूं देखना, ज्ञाता रहना, अनुभव करना है, भोगना है। तो समय सार नयों के विकल्प से खंडित नहीं, पहली बात नयों के विकल्प से खंडित नहीं होता, यानी नयों से पढ़ करके भी इसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ये कह रहे नए बताने वाले जो तुम्हें हनुमानताल के मंदिर जाना है तो बताने वाले को देखते रहोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, खड़े रहोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, पूछोगे पूछोगे नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, पूछते रहोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। वस्तु में नए नहीं और नए के बिना समझाई जा सकती,
और समझने से वस्तु मिलती नहीं, वो समझे बिना वस्तु मिलती। थोड़ी सी पेच है ना, वो कुत्ती सुलझना चाहिए। यदि आप आत्मा का अस्तित्व नहीं बताते तो ये तो मनुष्य मान के बैठे, तो भी आत्मा नहीं प्राप्त। अब उससे कहा कि नहीं नहीं, वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा देखो। वर्णादि भाव शरीर के धर्म है और रागादि भाव विकार है, ये जीव नहीं है। जीव देखो, इस तरह से उन्होंने प्रारंभ किया कि अपने इतने प्रकार से आप समझ रहे हो पर उससे वस्तु मिलने वाली नहीं। इसे कौन का तरीका होगा बताने का कि अपने आचार्य जो कहते पढ़ो, वो कहते पढ़ने से नहीं मिले। अपने देव कहते ये मंदिर आओ, वो कहते मंदिर आने से नहीं। वो कहते नए से समझना, पक्ष नहीं बनाना, वस्तु स्वरूप को समझने में माध्यस्थ भाव रखना। एक भी निश्चय नए का पक्ष बनाएगा तो भी नहीं तेरे व्यवहार वाला तो बहुत दूर, क्योंकि व्यवहार वाला तो देहाश्रित रागाश्रित चल रहा, उसकी तो कथा ही नहीं यहाँ समय सा। यहाँ तो बहुत अच्छे वैभव संपन्न आत्मा को बताने में शुद्ध ने निश्चय ने काम में आएगा। कहते इसको तो मिलेगी कि नहीं आत्मा, इसे भी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे मिलेगी आज उसकी कथा। साक्षात समय सा जिसे सम्यक दर्शन कहो और आत्मा कहो, एक ही चीज है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति और समय सार की प्राप्ति का एक ही भगवान के दर्शन कहो और आत्म दर्शन कहो, एक ही बात। अब कैसे प्राप्त होता है नीचे भी? प्रथम तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निश्चय करके और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को मति ज्ञान के स्वरूप को आत्मसन्मुख किया है, ऐसा तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाले शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निजरस से ही प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत से रहत अनाकुल केवल संपूर्ण ही विश्व परमाणु तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा समय सार का जब आत्मा साक्षात अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा दिखाई देता है सही रूप से, अर्थात उसकी सच्ची श्रद्धा आज हो जाती है, आज उसे सच्चा ज्ञान हो जाता है, आज उसे श्रद्धा ज्ञान का पाना सार्थक हो जाता है। उसी समय सार कहो, चाहे सम्यक दर्शन कहो, चाहे सम्यक। अब चालू करते हैं। देखो प्रथम तो श्रुत ज्ञान की अवलंबन से, श्रुत ज्ञान कहलाता है द्रव्य श्रुत, और द्रव्य श्रुत के दाता होते हैं अनंत भगवान, और अनंत देव की श्रुत को बताने वाले होते हैं गुरु। तो तीनों आ जाते देव साधन, मगर आपको देव मिलना कठिन और आपको गुरु मिलना कठिन, पर शास्त्र कम मिलते नहीं, इसलिए शास्त्र लिखा है। वो आप बहाना नहीं बना सकते कि महाराज जी तो मिल नहीं रहे, अनंत भगवान तो है नहीं, कल्याण कैसे हो, कि जो वो देखते थे और जो वो पालते अनुभव करते थे वो इसमें लिखा। अब आप बहाना नहीं बनाने कि हमारे पास रास्ता नहीं, समागम नहीं है तो है जनागम तो है पंडित साहब की बात। अरे आगम भी ना हो तो अभी निगम तो है, बहाना नहीं चलेगा। कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, बुद्धि तो है, सही ढंग से पढ़ लो ना, कोचिंग की जरूरत कहाँ पड़े। तो श्रुत के अवलंबन से यानी स्वाध्याय करना चाहिए, गहरा स्वाध्याय करना चाहिए, का अर्थ है देशना लब्धि इसमें निमित्त बनती साक्षात। आत्मानुभूति में दो लब्धियों की बहुत कीमत, एक देशना लब्धि और एक करण लब्धि, साथ में तो पांचों होंगे। और पांच का लक्ष्य नहीं बनाना, बीरेन जी से पूछते थे ना, बताओ सम्यक दर्शन किस लब्धि पूरक हो,
उन्होंने कहा कि लब्धि की तरफ ध्यान जाएगा तो नहीं होगा, और जब तुझे अपनी तरफ ध्यान जाएगा तो पांचों लब्धि हो। फिर से श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, यानी शास्त्र स्वाध्याय प्रापर होना चाहिए। जो भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया, अब शास्त्र पढ़ने की भी स्वयं भी स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? तो कहते स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय स्वरूप को समझने के लिए करना चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं। श्रेयांश जैसे सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, मनोज सब लोग शास्त्री नहीं हो सकते, पर आत्मार्थी और अनुभवार्थी तो सब हो सकते। तो स्वाध्याय काय के लिए करना चाहिए, किस एंगल से करना चाहिए, क्या प्रश्न पूछना चाहिए गुरुजनों से, अरे मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ, आत्मा कैसा है और आपने कैसे प्राप्त कर ली, हमारी ये पर्याय बुद्धि क्यों हमें दुख देती, प्रश्न भी हो तो बाजब इस तरह के। तो श्रुत ज्ञान मिला यानी देश न लब्धि होने चाहिए, देश न लब्धि है, देश न नहीं कह रहे, देश न लब्धि होने, देशना पुण्य उदय से मिलती है और देशना लब्धि पुरुषार्थ से। मंदिर में आना विशुद्धि लब्धि है और देशना अच्छी लगना देशना लब्धि। श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान की अवलंबन से, यानी जनवाणी से, जन गुरु की, यानी इसमें तीन बातें आ जाएंगी सर, पांचवी गाथा की ठीक। प्रथम तो आगम के सेवन से, दूसरा युक्ति के अवलंबन से, यानी ऐसे बैठे नहीं रहो, पूछो कभी कि ये आज बात ऐसी निकली हमें ये जम नहीं, बैठे यानी ज्ञान तुम्हारा खड़ा होना चाहिए समझने में, तब समझ में आए कि आप मंदिर आते। बहुत अच्छे प्रवचन और एक लाइन याद है, ये सब बहानेबाजी है, मन को समझाता रहता, ठगता रहता अपने आप को, मिथ्या मंदिर में मिथ्या स्पष्ट होता मुमुक्षु, क्योंकि वो अपनी पूल खुल जाएगी ना, इतना भी नहीं जा। हम सुमत जी से कहें कि इतनी उम्र में हम मोबाइल देखते हैं तो हमें शर्म नहीं लगना चाहिए, ये हृदय साफ कर लेना, उम्र तो जा रही है मरने की हो रही है तो अभी वासना क्यों नहीं छू। तो गुरुजनों को पता है कि कैसे समझाया जाए, उनके सामने अपनी कच्ची चिट्ठी खोलने में डरना नहीं चाहिए, हृदय साफ कर लेना। बहुत ऊंचा धर्म है कोई दूस ले जाके नहीं भगवान बने। तो श्रुत मिल गया महाभाग, ऐसे श्रुत को सुनने के लिए 100 धर्मेंद्र परिवार से आता है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, हजारों लाखों करोड़ों देवों के सामने, गणधर देव की उपस्थिति में भगवान फरमाते थे कि तू ज्ञान स्वभावी भगवान। इसका नाम है श्रुत का लाभ। हमें बहुत मालूम, हम भी पढ़े, हमने भी बहुत परीक्षाएं दी है, हमसे भी प्रवचन करने, इसका नाम थोड़ी श्रुत। श्रुत इसका नाम है कि तुझे जीव तत्व समझ में आता है कि नहीं, मैं परमात्म तत्व हूँ, मैं कर्ता भुक्ता नहीं हूँ, मेरा परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, मैं अप्रभावी तत्व हूँ, ऐसा तत्व तेरे चिंतन में, सपने में, चर्चाओं में, और इसी की धारा ऐसी प्रवाहित चले कि जाप देने बैठे तो ज्ञायक ज्ञायक थे, अरे ओ ओ प्रभु आपने मुझे ज्ञायक बता के महा उपकार, भगवान की भक्ति करने के भी ढंग इनसे सीख। स्वामी जी अभय जी कहते भैया श्रेयान कि स्वामी जी की जब तारीफ निकलती थी ना कि भगवान ने कहा तो बोली इतनी महिमा आती थी, अरे भगवान ने, परम स्नातक सम्राट शासन नायक देवाधिदेव भगवान महावीर सैकड़ों देवों की उपस्थिति में ये कहती थी तू जीव राजा है, बताओ उन्हें बताने में कितना प्रमोद, सरस्वती का नाम लेती इतनी खुश। श्रुत ज्ञान का ये कोई छोटी मोटी रोकड़ भैया क्या, श्रुत ज्ञान यानी तेरे कलेजी का सर्वोत्कृष्ट रत देवता की। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से यानी देशना के लाभ लेने से कैसा लाभ लेना चाहिए, अब देखो अब कैसा लाभ लेना चाहिए, ज्ञान स्वभाव समझना ही लाभ, कसाय मंद हो जाना, पुण्य बांध लेना, प्रवचन पूरे हो जाना, लोक तारीफ कर लेना और हमें स्वर्ग मिल जाना, ये लाभ नहीं है वैसा।
आपको इस पांच दिन के नवलग्धि वृंदावन में ये नवलग्धियां किसकी प्रकट हुई? जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा भगवान देखा उसे प्रकट हुई। अरे तो मैं तो वो हूं ना, तो वो विधान वहां चले और यहाँ देखे ना, तो समझे ना वो पढ़ाई हो रही। संजय भैया देखो, ज्ञान स्वभाव समझने के लिए जनवाणी में हम मंदिर आए और अशांति बढ़ गई। ये इसके लिए मंदिर नहीं बना है, हमें ज्ञान स्वभाव में कौन बाधा डालते? ऐसा निरपेक्ष तत्व है, अप्रभावी तत्व, त्रैकालिक परमात्मा, उसमें प्रमत अप्रमत लगता कहां है, छूता नहीं। ये इतनी प्रसन्नता से सरस्वती को झेलना चाहिए। ओह इसमें तो मेरा महाहित भाषित होता है, ओ मुझे तो इन बातों की ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। हमें मानो टेक नहीं लगाना चाहिए, पंडित जी कहते ऐसे टेक लगाते रहते, हाँ तुम जो कह रहे हैं हमें पता, ये पता था की बात नहीं है भाई साहब, पता भी हो ना तो अनुभव कर। छयुसम ज्ञान का काम नहीं है, पंडिताई का काम नहीं है, आराधना के लिए क्या प्रगट प्रसिद्धि कराना है। प्रगट प्रसिद्धि यानी तुम्हें शास्त्र से समझ में तो सब आ गया, पर अनुभव नहीं होगा तब तक प्रगट प्रसिद्धि का हो, और नहीं हुआ हो इसमें के लिए नहीं घबराओ, पर रास्ता ही पकड़। शुद्ध ज्ञान के आधार लेकर के सरस्वती का लाभ लेकर के करना क्या, इतना सा काम सोचा सौंपाया अपन भैया। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, अरे साहब अभी तो मति ज्ञान नहीं, नहीं तो ज्ञान स्वभावी। अरे साहब अभी हमें याद तो रहता नहीं, छह समझ नहीं, तू ज्ञान स्वभावी स्वभाव बताना हमें, ये ज्यादा कम नहीं बताना, हमसे बोलते नहीं बनता ये नहीं बताना, हमें ज्यादा याद रखता ये नहीं बताना, हमें जाननहार से जानना हो रहा है इतना बताना। बिना ज्ञायक के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान हो रहा है तुम्हें ज्ञायक हो, इतना पढ़ना है सिर्फ, इतने में तू भगवान दिखेगा, बनेगा नहीं संजय भी दिखेगा कि अरे ये तो स्वभाव मेरा अभी, इसमें क्या कुछ चिंताएं खड़ी कर ली, समझ जाना जनवाणी नहीं समझता है, भरा पूरा भगवान देखना चाहिए। ये कुछ देखो इस कुछ शास्त्र में लिखा इसलिए नहीं, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, सर्वज्ञ के तो ज्ञान में आई। ज्ञान स्वभावी कौन? आत्मा। कौन का आत्मा? अपना आत्मा। आत्मा यानी होता अपनापन, इस ज्ञान स्वभाव में अपनापन देना है। और फिर निश्चय करके कह रहे, सुनने के लिए नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, निर्णय करो, क्योंकि जीव सुनता है निर्णय नहीं करता। आज तक ज्ञान का घी ज्ञाय क्यों नहीं बना? क्योंकि आज तक निर्णय नहीं किया। जिनवाणी सिर्फ एक काम करा रही, बहुत से नहीं कर, वो ये भी नहीं कहती कि तुम आत्मा देखो, वो ये कह रहे निर्णय तो करो, आत्मा तो दिख जाएगी क्योंकि तुम आत्मा ही तो। समझ में आ रहा है कुछ वजन कहां दे? भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी, राग स्वभावी नहीं, शरीर स्वभावी नहीं, इंद्रिय स्वभावी नहीं, विकल्प स्वभावी नहीं, कम बड़ ज्ञान वाला नहीं, ज्ञान स्वभावी है और आत्मा है यानी अपनी बात है, और निश्चय करना यानी तेरे शरीर सब में ताकत है, अभी ताकत है, इसके बाद असह नहीं हुआ, तीव्र कसाई हुआ तो ये भी चली जाए। इंद्रियां भूख और घी बनाने में निमित्त बंद, और इंद्रियों के दरवाजे से बंद करता है। फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, प्रत्यक्ष आत्मा के अनुभव के लिए, वेदन के लिए क्या करना है? पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियां। अब बताओ जरा, सास सभा में भी अपन कान से सुनते, आंख से देखते, तो कहते इंद्रियां कहां तुम्हें दिखाती है? बाहर बाहर। तो तुमने जो सुना समझा है देखा है, ये तुझे आत्मा नहीं दिखा सकता, इस तरह उपयोग हो गया ना। तो अभी ये प्रगट प्रसिद्धि विषयों की कराए। यदि आपको साक्षात्कार आत्मा का प्रगट अनुभव करना है तो अभी उपाय अपनाना पड़े। पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत यानी देखो संबंध ये समझना, अपन सब चाहते हैं, हर आदमी की एक रोग है कि उसे प्रसिद्धि का खुद सवार रहता, हर आदमी। अरे घर छोड़ दे, साधु भी बन जाए ना, तो प्रसिद्धि के लिए तपस्या करता है, महीनों उपवास कर ले। और ये कह रहे तू माइक पे बोलने लगे तो प्रसिद्धि मोहियों में होगी, ज्ञानियों में तो नहीं होगी। और हमारी पुस्तकें छप जाएं तो सारा जगत कहेगा बहुत अच्छी थी, पर आत्मा प्रसिद्ध नहीं होगा, उपाधि में प्रसिद्धि वाली।
ये कहते प्रगट प्रसिद्धि करना है तो जगत प्रसिद्ध करे, वो प्रसिद्धि नहीं, हमारा ज्ञान हमें प्रसिद्ध करे, हम ज्ञायक से प्रभावित हो तो प्रगट प्रसिद्धि हो। तो प्रगट प्रसिद्धि ये पर नियम किसकी प्रसिद्धि कराती है, पर पदार्थों की, यानी आज तक जब तक जीव इंद्रियों का अवलंबन लेकर गेय के सन्मुख उनको विषय बनाता है उसमें किसी को आत्मा नहीं मिलेगी, चाहे वो लाख वर्ष तक समोसरण में उसे इनका एकत्व तो छोड़ना ही पड़ेगा। इससे ज्ञान ज्ञान है ही नहीं, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, ऐसा मानना। ये परद्रव्य की प्रसिद्धि कराती है इंद्रिया, तो अब क्या करना है, देखो पहले तो मन बनाओ कि इनके माध्यम से तो आत्मा की प्राप्ति होती, तो अब आपका इंद्रिय का पक्ष छूट जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिक चरणानी हो जाता है, इसमें करना नहीं। जो विषय लंपटी होने आत्मा नहीं दिखती, जो भोगी जीव होने आत्मा नहीं मिलती, जो गेय लुब्ध होने आत्मा नहीं मिलती, जो थक जाएंगे इसमें हमें आज तक लाभ नहीं हुआ, तब उनका ज्ञान विराम लेता है इनका अवलंबन लेने, और फिर मन बनाता है अच्छा सीधा ज्ञान से अपन को आत्मा दे। तो पहले तो मन, जिससे मन इंद्रिया और मन निमित्त बनती थी अपने ज्ञान में, उसको कहते हैं मति ज्ञान और सुध ज्ञान। तो पहले लौटा है किसे, मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को क्या करना है, मर्यादा में लिए। हमने बाबू जी से पूछा कि बाबू जी मर्यादा क्या कहलाती, मर्यादा में कैसे लिया जाए, तो ऐसा सुंदर उत्तर दिया, वो अभी भी याद आता उनका चेहरा, वो बोले ज्ञान मर्यादित ही होता, मर्यादा में लाए नहीं जाते, मर्यादित देख नहीं मर्यादा में ला, ऐसा सुंदर उत्तर दिया। बोले तू मर्यादा में लाएगा उपयोग, कोई भाग्या है क्या कहीं उपयोग, अरे बिना उपयोग की आत्मा नहीं, आत्मा के बिना उपयोग नहीं, और उपयोग में ज्ञाय विराजमान, ज्ञाय में उपयोग है। अब जब इतना सुंदर ज्ञान से तादात्म आत्मा है तो तुझे उपयोग लगाना कहाँ है, तो तू जबरदस्ती आत्मा को भूल कर ऐसा मन और इंद्रियों का अवलंबन लेता था तो गेय दिखती थी। अब वो कहते लौटाना यानी कुछ नहीं लौटाना, ये तो उनको विषय नहीं बनाया, यानी ज्ञान में ज्ञानी ज्ञान तो है तो मर्यादित हो, ऐसा उत्तर दिया उनने उस समय, नहीं तो ये समझना कठिन हो जाता है उसमें दिया हमने नहीं सुना, तो हमें ये उनने उस समय दिया था जब कोटा में थे, उन्होंने कहा बेटा मर्यादा में लाए नहीं जाता, हर वस्तु मर्यादा में, तो तेरा ज्ञान कहीं चला गया, ये तो रुचि नहीं है ना, इसलिए ज्ञान में गई दिखते, अरे ज्ञान में ज्ञाय की ज्ञायक बैठा है, देखना तो ऐसा चाहिए, ये भगवान बैठे डॉक्टर साहब, ये अपने को भगवान दिखते, माली को दिख जाए, ये तो पेट पूजा दिख, पुजारी को दिख जाए, ये तो देखने वाली निगाह, तो जैनी भक्तों को तो भगवान दिखे, ऐसे ही रुचिवान कोई तो जो थक गया हो, गेयों में ज्ञान नहीं, विषयों में सुख नहीं, वो ही तो सोचेगा यार ज्ञान तो मेरा है और इसमें दम क्या है, यहाँ विषय बना, अब फिर कैसे ज्ञान को के मर्यादा मिला, अरे मर्यादित ही होता है ज्ञान, कभी अपनी मर्यादा छोड़ता कहा, मर्यादा में लाना यानी मर्यादित स्वरूप है देख, यानी ज्ञान ने कभी ज्ञानत्व नहीं छोड़ा है, ज्ञान कभी आत्मा को छोड़ के कहीं गया नहीं है, ज्ञान प्रति समय ज्ञाय की प्रसिद्धि कर रहा है, ये मर्यादा में लाओ, आगम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, उपयोग में मोहादि नहीं, उपयोग में देहादि नहीं, उपयोग में इंद्रिय नहीं, इसको कहते मर्यादा में ना, अभी एक काम है पकड़ लिए मर्यादा, अपने उपयोग को लगा रहे और लग ही नहीं रहे, नहीं लगा सकते तुम, तुम्हारे बस कर लगा लगाए देखो तो लगाने की जरूरत, इधर ज्ञानियों के बीच में समझना पड़ेगा बैठ, ये तो गुरुदेव आए ना तो इसलिए इतने सरल हो गए, बाबू जी पैदा हो गए और अच्छे अच्छे ज्ञानी जी पैदा, नहीं तो ये बहुत कठिन था इसका अर्थ निकाल, मन को ऐसे कहते भैया मन तो तुम्हारा खराब है साफ तो करो, ऐसे उपदेश देने वाले जगह जगह मिल जाए, तुम्हारी उपयोग खराब, अरे ये कहते उपयोग खराब नहीं हो सकता, ये कहते उपयोग खराब हो सकता ही नहीं, उपयोग में ग्रहण नहीं लगता, पढ़ो 172 गाथा की टीका, उपयोग का हरण नहीं होता, उपयोग आता जाता नहीं, उपयोग अपनी जगह छोड़ता नहीं, उपयोग में भगवान विराजमान है परंतु भगवान को छूता,
कितनी पवित्र बातें हैं। महाभाग समझो कि एक तो साथ ही से पुण्य चल रहा है इस समय सब मुमुक्ष हो, जहां जहां गुरुदेव की देशना खेल रही है, ये अपार पुण्यशाली जीव है। मतलब ऐसा कहते थे ना गुरुदेव के, तुम चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्याधिकारी हो, तो ये पवित्र जनवाणी कान में फिर। अब वो अपन को खेल से रखता था, ऐसे कहते अपन को तो रोज मिलती, अरे रोज ही तेरा चक्रवर्ती तो कब पुण्य चल, जिस दिन नहीं चलता उस दिन वंचित रह जाता है। बहुत भाग्यशाली के कान में पड़ती कैसी बात, तू मर्यादे स्वभाव वाला है, तेरा ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान घे में जाता नहीं, घे ज्ञान में आते नहीं। घे यानी ज्ञान को जानने के लिए घे सन्मुख होना नहीं पड़ता, ज्ञान आत्मा से तादात्म्य रहता है, कभी छूटता नहीं है, और ऐसे ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव नक्की करता है। कमल कुमार जी, निर्णय करने पे बजाय सुनने पे नहीं, आपको भी जितनी बातें हम बोल रहे सब पता है, और आप भी यहाँ बैठ के बोल रहे, इसकी कीमत नहीं है शरीर समय, ये तो कह रहे जैसे नक्की होता है। नक्की कैसे पता चलता है, नक्की होने के बाद अंतर्मुखता आती है, लाना नहीं पड़ता, और अंतर्मुखता नहीं आती इसका अर्थ नक्की नहीं है। नक्की वो है कि मेरा घर वहां, तो एकदम से वहां चला है, जो जो निर्णीत है वहां तो तुम्हारा समर्पण पूरा है, और ये नक्की करा रहे हैं कि तुम अच्छे से सोचो, राग देश तुम्हारा स्वभाव नहीं, इंद्रिय ज्ञान तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम अतीन्द्रिय पदार्थ हो, परमात्मा हो, चैतन्य हो, तो तुम्हें जब इस पे भजन आएगा कि बराबर यही सत्य है, भगवान भी कहते हमें भी समझ, वो ज्ञान लौट जाएगा, लौटेगा, लौटा नहीं पड़ता, ज्ञान लौट जाएगा यानी अनुभव हो जाएगा, ज्ञान तो ज्ञान ही मेरे मति ज्ञान को जो इंद्रिय और मन के माध्यम से दुनिया भर की खबरें लाता था, अब उसे प्रगट प्रसिद्धि कराना है कि नहीं, अपनी आत्मा को देखना है कि सुनते ही रहना, तो साक्षात्कार होना चाहिए। तो कहते तुम मन से यहां देखना बंद करो या यहां देख लो, दो ही काम नहीं होते हैं, या फिर टीवी देख लो या फिर समय साथ, या फिर घर में रह लो या मंदिर आओ। तो मति ज्ञान समझ में आएगा, मति ज्ञान को मर्यादा मिला, मर्यादा में लाकर यानी प्रसन्न भी, मर्यादा में लाकर यानी मर्यादा ही में रहता है ज्ञान, मर्यादा में रहता है यानी ज्ञान में आज तक कुछ बिगाड़ बना हुआ नहीं है, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता, ज्ञान कभी करता नहीं बनता, ज्ञान कभी घे में जाता नहीं, घे ज्ञान में आते नहीं, निर्दोष दर्पण की तरह ज्ञान को ज्ञान में देखना, ये मर्यादा में, मर्यादा स्वभाव को ज्ञान देखने लगे मर्यादा में, पूरी ताकत अपने निर्णय में आएगी ना तो उसका रिजल्ट अच्छा है। सुमित जी एक बार अशोक नगर में थे ना, तो बोले ये मुमुक्षु रात दिन सुनते हैं, इन्हें अनुभव क्यों नहीं बहुत से, तो बोले कि इन्हें सच्ची बताएं कि सात तत्व की ईमानदारी से निर्णय नहीं, यदि सात तत्व की वाह वासना भी होती तो बोले इसी अनुभव होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अजीव का पक्ष बना के मंदिर में बैठा रहे, लक्ष्य पक्ष बना रहता विषयों का और दिखता बैठा मंदिर। जीव तो भगवान है, परमात्मा है, चैतन्य है, प्रभु है, निर्दोष है, गय है, सिद्ध है, ऐसा जीव तत्व पे पूरा भजन आए तो परिणति न लौटे, ऐसा है अपन परिणति लौट आते हैं, वे कह रहे तुम्हारे निर्णय में कम रिजल्ट आना चाहिए। हम लोग जबलपुर आए और सेपरा में रहती थी, अच्छे नंबर मिलती थी, और जबलपुर में आए गड़बड़ नंबर में, हमारे पिताजी ने पढ़ इनकी नजरें कहीं जा रहे, बेटा तुम वापस चलो घर, वहां तुम्हें गोल्ड मेडल, और यहाँ क्यों नहीं समझ गए तुम कॉलेज की हवा, ऐसे ये कह रहे कि सैनी पंचेंद्री तो मुश्किल से हुई, अब तुम्हें आत्मा नहीं दिख रहे, इसका अर्थ है तुम्हारी कहीं ना कहीं मिठास बनी नहीं दिखेगा, ऐसे सर्वस्व समर्पण का मार्ग है, अपना आत्मा भगवान लगे तब तो वो लौटे, इतनी चमत्कारी चीज नहीं लगे तो लौटेगा कैसे, जबरदस्ती लौटा। हम जयपुर जाते थे तो अच्छे अच्छे विद्वान आते थे उस समय, बहुत पहले की बात, जब लालचंद भाई, युगल जी बाबू, विदिशा वाले पंडित जी, डॉक्टर साहब, अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया, तो हमें एक व्यक्ति था तलौद का था शायद,
तू हमसे कहता था तुम सो जाना पर गलत बातें नहीं सुनना, अपने घर में सो जाना, पिक्चर देखने चले जाना पर भेद व्यख्यात की बातें नहीं सुनना। उल्टा अर्थ नहीं लगा, मतलब वो कह रहे थे कि आप जिनेंद्र देव की देशना से हटके कभी नहीं बचा, भले तुम्हें नींद आ जाए तो चल जाए। तो अब वो हमसे ये कहते थे कि ये घोड़ा और उसके चारों पैर बंधे और मुंह में लगाम और एक आदमी ऐसा खींचे और ये पीछे वाला उसे चाबुक मारे के आगे घुस जा, तो चारों तरफ से यहां बंधा है मुंह यहां बंधा है, वो बढ़े कैसे? ऐसे तुमने पांचों इंद्रियों को तो विषय दे दिए भोगों की और तुम कह रहे आत्मा भगवान है, आत्मा भगवान, तो वो आत्मा भगवान देखे कैसे? तुम्हारा रस तो वहां पड़ा, निर्णय कराने में रस तोड़वाना है, क्या वहां नहीं है ज्ञान, नहीं है सुख, नहीं है कुछ दम, नहीं हो कर्ता परद्रव्य के, जब ये तुम्हारा ज्ञान नक्की करेगा तभी तो लौटे। तो एक तो मति ज्ञान को मर्यादा में लाना और दूसरा श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लाना है। नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा क्या लिखा है मतलब पढ़ाई को आकुलता कह रहे हैं। अरे भैया पढ़ाई आकुलता नहीं होती, पर तुम इन्हीं विकल्पों में उलझे हुए आकुलता। अभी अपन वर्तमान में तो देखो संसार और निश्चय निश्चित शुद्ध ऐसा मूर्ख चंद है कि निश्चय नहीं से शुद्ध मानता है और व्यवहार नहीं से अशुद्ध मानता, इसे वस्तु नहीं दिख। अच्छा फिर वस्तु भी दिखे तो पर्याय का पक्ष जो दूसरे तो उसे गौण करना नहीं आता और ज्ञायक जो भगवान उसे ऊर्ध करना नहीं आता, तो कैसी पढ़ाई है? यदि थक जाओगे तुम पढ़ते पढ़ते परंतु शांति नहीं। तो श्रुत ज्ञान में तो ये सब पढ़ाया जाएगा, वस्तु स्वरूप समझाएंगे और नाना प्रकार के नए से तो कहें अगाध आगम है और द्रव स्वभाव ज्ञान स्वभाव बताना तुम। तो ये श्रुत ज्ञान नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से चलता है और पहले उसमें विचारने में विकल्प चलते, अब जिसे विकल्प जो नाना प्रकार के नए है ये जड़ लगने लगे, ये जहर लगने लगे, ये लगे तक थक गए हम इसमें तो आत्मा नहीं, तो फिर उसकी परिणति ऐसी एकदम लौट गई। जब तक उसी में रस ले तब तक ही परिणति लौटने वाली। श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ क्या होगा? उसकी चित्त में चैतन्य 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 ऐसा आत्म सम्मुख रहे तो इससे क्या होगा? फिर विकल्प हो रहे थे ना, तो विकल्प का पक्ष छूटने से विकल्प छूट जाए। अभी अपन इनको साधन बना दे, अब वो विकल्प का पक्ष छूट जाएगा तो कैसे सम्यक दर्शन? निज रस से तत्काल सम्यक दर्शन हो जाए। निज रस से यानी जो व्यक्ति ऐसी कीमत चुकाता है महिमावंत आत्मा को, महिमावंत अपनी नक्की निर्णय करता है, आत्मा भी उसे सर्वस्व सौंप देता। भेद ज्ञानियों को भगवान आत्मा सर्वस्व समर्पित कर दे, कुछ देता लेता कुछ नहीं है। कैमरा मैन अपनी योग्यता से फोटो ले लेता है, चेहरा से कुछ नहीं लेता। ऐसे ही परिणति अपने आप प्रसन्न हो जाती है, द्रव ज्योकत हो रहा और अनंत काल तक आनंद की धारा चलती रहती है और द्रव कुछ देता भी नहीं और द्रव की लक्ष्य मिले बिना ऐसा निज रस से प्रकट हो जाता है। कैसा है भगवान आत्मा आदि मध्य और अंत से रहत, ये तो पहले भी था आज ऐसा लगेगा, और यार ये पहले भी तो हम ऐसे जानते अभी भी तो जान रहे और आगे भी यही हमारा स्वभाव। तो जब संयुक्त होता है तो ऐसा नहीं लगता कुछ नया काम हुआ, ऐसा लगता है कि पहले भी हम थे हमने ध्यान नहीं दिया। आदि मध्य अंत में रहत कैसा है? आकुलता से रहत स्वभाव है, केवल एक भगवान आत्मा ही विश्व में, इतने बड़े विश्व में मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं यानी सती का सब कुछ, ऐसे ही दृष्टि का सब कुछ एक चैतन्य आत्मा ही भाषित होने लगता है। मानो ये विश्व के ऊपर तैरता, ऐसा लगेगा कि मैं कितना न्यारा हूं विश्व, एक परमाणु मेरा नहीं, मेरे आप में परिपूर्ण बना, ऐसा तैरता हुआ अखंड प्रतिभासमय अत्यंत विज्ञानगण परमात्मा रूप समय सार का जग, ऐसा आत्मा अनुभव करता है का अर्थ अनुभव होता है। तब उसी समय आत्मा कैसा दिखाई दिया? आज उसे लगा आत्मा राम हो गया, वो पर्याय ऐसा बोलने लगे।
38 गाथा में आज आत्मा राम हो गए। तो यहाँ लिखा कि सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन यानी सत दर्शन हो, सच्चा दिखाई दे रही लगा आज आपको, अर्थात उसकी श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है, इसलिए समय सार मिलना यानी सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान। एक वृद्ध माथी अकेली रहती थी और वो दिखाई नहीं दी था। एक डॉक्टर आया और उसने कहा कि हम इलाज कर दें, ऑपरेशन कर दें, चोरी करने की आदत, तो उसके घर का सब फर्नीचर और सब सामान ले, ये दिखता तो कुछ है, तो जो भी सामान दिखता तो ले। अब जब उसका ऑपरेशन हो गया, उसने पूछा कि माता जी अब कैसा दिखता, तो बेटा आंख बंद थी तब आंख बंद खराब नहीं थी, इसके पहले जो कुछ घर में था वो आंख खुली वो तो कुछ बची, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आंख ठीक नहीं, समझ गए कि पहले जो हमारा सोना चांदी फर्नीचर दिखाई देता था हमें, जब आंख हमारी अच्छी थी और जब आंख खराब हुई तो फिर इलाज करा है कि इलाज होने के बाद वो दिखना चाहिए ना, तो वो तो दिखा ही रहा, हम कैसे कहें कि तुमने ऑपरेशन कर, ऐसे ही हमने पढ़ा तो समय सार पढ़ा, फिर वो कहते आत्मा तो दिखाई, तो भैया तुम अच्छे से पढ़ो आत्मा ही हो, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मैं आत्मा हूं तब तुम्हारा ऑपरेशन। सहजानंदी